टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद ही दुख भरी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, फेम एक्ट्रेस वैशाली टक्कर ने अपने इंदौर वाले घर में सुसाइड कर लिया है। आपको बता दें कि वैशाली उन एक्ट्रेस में से एक है जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी, और यहाँ तक कि जब सुशांत ने भी सुसाइड किया था तब वैशाली ने भी उनकी मौत को मर्डर करार किया था, जिसके लिए रिया चक्रवर्ती को उन्होंने गुनहगार बताया था। लेकिन अब खुद वैशाली ने सुशांत की तरह एक भयानक कदम उठा लिया है, अपने इंदौर वाले घर में आत्महत्या करके उन्होंने अपने सभी फैंस को दुखी कर दिया है। और अभी मामला पुलिस ने हैंडल करना स्टार्ट कर दिया है, और अब तक जांच में प्रेम प्रसंग की बातें सामने आई हैं। प्रेम प्रसंग की बातें सामने आते ही वैशाली के साथ हुई उस दुर्घटना को याद दिलाता है जो उनके साथ पिछले साल घटी थी। दरअसल वैशाली ने पिछले साल अप्रैल के महीने में सगाई की थी। उन्होंने अपनी सगाई की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। हालांकि सगाई के एक महीने बाद ही वैशाली ने अपनी सगाई तोड़ दी थी और कहा था कि वो अब अपने मंगेतर से शादी नहीं करेगी। शादी कैंसिल करने के बाद वैशाली ने अपने रोका सेरेमनी का वीडियो भी सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दिया था। लेकिन पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर किस वजह से वैशाली ने सुसाइड किया है। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर ही रही है। यहाँ हम आपको बता दे कि वैशाली ने अपने करियर की शुरुआत एंकरिंग से की थी, और साल 2015 में उन्हें स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में संजना का किरदार निभाने का मौका मिला था। उन्होंने इस टेलीविजन शो से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इस शो के बाद वह ये वादा रहा, ये है आशिकी, ससुराल सिमर का, सुपर सिस्टर, लाल इश्क और विश और अमृत जैसे कई शोज में नजर आई थी। वैशाली का सबसे पॉपुलर किरदार ससुराल सिमर का शो में अंजलि भारद्वाज का था, जिसके लिए उन्हें गोल्डन पेटल अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। पर अफसोस कि इतनी बेहतरीन अदाकारा आज हम सबको छोड़कर चली गई है, जिसका दुख सबको है। MDTV एंटरटेनमेंट की तरफ से वैशाली टक्कर को दिल से श्रद्धांजलि। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी एंटरटेनमेंट की सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल MDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।